यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 14 प्रकार के बैठकों को संबोधित करेंगे और इन बैठकों में सारे विधायक, मंत्री, दर्जाधारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और भी जो वरिष्ठ लोग हैं विभिन्न प्रकार के बैठकों में अलग अलग तरीके से उसमें रहेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन मिलने के बाद पार्टी नई ऊर्जा के साथ खड़ी होगी। उधर रुद्रपुर में कांग्रेस नेताओं के साथ बदसलूकी का मामला गर्मा गया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के डीडी चौक पर पुलिस प्रशासन का पुतला जलाया। आरोपी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, मगर उत्तराखंड में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, खामोश किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की पिटाई की। पिथौरागढ़ के बजेता में अवैध तरीके से खड़िया खनन किया जा रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि उनसे खड़िया के खनन के लिए इजाजत नहीं ली गई है, जबकि उनके हस्ताक्षर भी दिखा दिए गए हैं। ये गांव भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। यहां हर साल आपदा में काफी नुकसान होता है, बावजूद इसके खड़िया खनन हो रहा है और प्रशासन सब देखकर भी अनजान बना हुआ है। हमने ग्रामवासी ने कितनी बार इसका विरोध कर दिया है, डीएम साहब से हमने प्रार्थना पत्र दे दिया है, मौखिक भी कहा, प्रदर्शन भी किया, लेकिन जिला प्रशासन कोई हमारी कार्रवाई पर कोई गौर नहीं कर रहा है। जो भी इंक्वायरी अधिकारी आ रहे हैं वह बिना घटनास्थल पर आए, बिना गांव में प्रवेश किए हुए और बाहर बाहर से ही झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट ने कोर्ट द्वार में नगर निगम की नजूल भूमि और बद्रीनाथ रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने 8 महीने के अंदर सभी अवैध अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। इसमें जिलाधिकारी महोदय का भी आदेश मिला हुआ है, तो हम तत्काल इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। कई जगह पे ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले हमने डिमार्केशन किया है, पेंट के निशान मिट गए होंगे, वहाँ पे दोबारा से उसका जो है मेजरमेंट किया जाएगा, पेंट के निशान लगाए जाएंगे और उसके बाद उसको जो है अवैध इंक्रोचमेंट को हटाने का काम। वहीं भारत और नेपाल को जोड़ने वाला झूला पुल को एक बार फिर से आवाजाही के लिए खोला गया है। दोनों देशों की सहमति के बाद पुल को 9 घंटे के लिए खोला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने भारत से नेपाल के लिए रवाना हुए। ये वो लोग हैं जो रोजगार के लिए नेपाल से भारत आते हैं। दारमा घाटी में ये लोग रोजगार कर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं, मगर बर्फबारी की वजह से अब ये लोग निचले इलाकों में लौट आए हैं और अपने देश रवाना हो गए। इसके साथ ही नेपाल से भी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए धारचूला आए, जिससे बाजार में रौनक देखने को मिली। चार धाम और पंच केदारों के कपाट बंद होने के बाद अब सभी की डोलियां शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच गई हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। उत्तराखंड के देव अब अपने शीतल प्रवास पर हैं। अगले 6 महीने तक अब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास में होगी। बाबा केदार और मद महेश्वर अब अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में विराजमान हो गए। शीतकाल के 6 महीने के दौरान बाबा केदार और मद महेश्वर ऊखी मठ में ही विराजमान रहते हैं।
अब 6 महीने तक जहां पर भक्त अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर की हर दिन पूजा अर्चना होगी। यही वजह है कि इसे पंच केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में जाना जाता है। इस स्थान का महत्व यह है कि जो भक्त लोग हिमालय पे जाकर के पांचों केदार की यात्रा दर्शन ना कर पाए, इस दिव्य धाम में आकर के महादेव के दर्शन करते हैं, तो उन्हें एक केदार नहीं पूरे पांचों केदार की यात्रा का संपूर्ण फल मिल जाता है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। यह जो स्थान है शीतकालीन पूजा का स्थान है। देवताओं के शीत स्थलों के प्रवास के साथ ही शीतकालीन चार धाम यात्रा का भी आगाज हो गया। पिछले साल शीतकाल के दौरान 12,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे। भगवान भगवान मंत्रेश्वर पहुँच चुकी है और अपने शीतकाल के 6 महीने के दौरान भी श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा सीजन में धाम के दर्शन नहीं कर पाते, उनके लिए शीतकाल में दर्शन और पुण्य का मौका है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट।